फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद किड्स। आज मैं आपको ये टूथब्रश, बेबी टूथब्रश के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि 0+ मंथ्स के बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं। BPA फ्री है, ये बेबी हग कंपनी का है। ये जो मैं आपको रिव्यू करके बता रही हूँ, ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। मैं अपने बच्चे के लिए मैंने मंगाया था, तो बस मैं आपसे इसका उसको शेयर कर रही हूँ। तो ये जो टूथब्रश है, ये सॉफ्ट सिलिकन का है एंड पॉलीप्रोपिलीन प्रोटेक्शन केस इसमें दिया हुआ है, ठीक है। सो, चलिए अब इसको ओपन करते हैं। सो, आप देख पा रहे होंगे, ये है टूथब्रश, है ना, और ये फिंगर टूथब्रश है। आपको फिंगर पे इसको बच्चे के अपने फिंगर पे, इंडेक्स फिंगर पे फिक्स करना है, और उसके बाद बच्चे को ये जो है, ये देखिए कितना सॉफ्ट है। आप देख पा रहे होंगे, बहुत सॉफ्ट है। तो आपको ऐसे इंडेक्स फिंगर में इसको फिक्स करना है, और बच्चे के दांत मसूड़े, ये 0+ मंथ का है के लिए सूटेबल है। तो ये जो है मसूड़ों पे भी बहुत आराम से, बहुत सॉफ्ट सा है ये, अप्लाई करेंगे हो जाएगा। एंड इसके पीछे भी दिया हुआ है, ये देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये दाने दाने, जिससे हम क्या होंगे, टंग क्लीन कर सकते हैं बच्चों के, ठीक है। तो ये बहुत ही सही लग रहा है मुझे, बिल्कुल सॉफ्ट फ्रंट है ये, और इसका बैक है। ये टूथब्रश का केस है, ये पिंक कलर का दिया हुआ है, और ये है ये केस जिसमें हम टूथब्रश रखेंगे आफ्टर यूज। तो ये देखिए, मैं इसको आपको रख के बताती हूँ, और ये बंद हो गया। तो ये तो हो गया ये टूथब्रश का, देख लिया हमने, एकदम सॉफ्ट है। फ्रंट में टूथब्रश दिया है, जो कि बच्चों के, इतना सॉफ्ट है कि बच्चों के मसूड़े पे भी काम आएगा, क्योंकि 0+ मंथ के बच्चों के लिए सूटेबल है ये टूथब्रश। साथ में इसमें ये केस दिया है, जिसको हम आफ्टर यूज़ इस पर रख सकते हैं। अब इसको साफ़ कैसे करना है, तो इसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि, ये देखिए आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं कि पहले तो यूज़ कैसे करना है। तो आपको अपने फिंगर पे, मैंने बताया करके, जेंटली एकदम आराम से धीरे धीरे बच्चों के टिथ एंड गम्स पे आपको लगाना है। इसमें कोई टूथपेस्ट नहीं लगेगा, ओके ना। दूसरा, क्लीन कैसे करना है, हमेशा आफ्टर और बिफोर वॉश जो है, आप इसको क्लीन करेंगे ही। आप जो वॉश करने के लिए गर्म पानी का और साथ में माइल्ड सोप का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसको यूज़ करने के बाद आप उसको धो सकते हैं, इसको स्टेरिलाइज भी कर सकते हैं माइक्रोवेव के में या फिर स्टीम स्टेरिलाइज़र के थ्रू, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है फॉर योर चाइल्ड्स हेल्थ एंड सेफ्टी वार्निंग। तो ये क्या है, डिश वॉशर सेफ है, माइक्रोवेव सेफ है, हाँ। और बहुत ध्यान से हर यूज़ के बाद आपको देखना है, अगर आपको लगता है कि ये डैमेज हो गया है तो आप उसको चेंज करेंगे। किसी भी हार्ड चीज़ों के थ्रू आपको इसको क्लीन नहीं करना है। ये सूदर या फिर पेसिफायर, इन दोनों के लिए, मतलब उन दोनों की जगह आप इसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। कभी भी, जब भी बड़ा कोई हो पास में, उसी के सुपरविज़न में आप इसको यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं कि बच्चे को दे दिए, वो खेल रहा है इसके साथ। अगर इसको आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप इसके केस में रखेंगे और प्रॉपर बॉक्स में आप रखेंगे, और हमेशा ब्रश को क्लीन एंड ड्राई रखेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे इसमें दिया हुआ है, प्रिकॉशंस जो भी है, यूज़ करना जो भी है, और क्लीन करने के तरीके। ये वाकई मैंने छुआ तो मुझे काफ़ी, वाकई बहुत सॉफ्ट और अच्छा लगा। तो आप भी अपने बच्चों के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप बच्चे को जब ब्रश कराना शुरू करना चाहते हैं उसके लिए भी ये सूटेबल ही होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, कुछ फ़ायदेमंद लग रहा है, और आपके हेल्प के लिए मैं वीडियो का लिंक, सॉरी, इस प्रोडक्ट का लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।